आज का हमारा विषय बड़ा अलग है। जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, शनि से बड़ा कोई मित्र नहीं, मस्तक पर ये तेल लगाकर आजमा लें किस्मत बदलेगी। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एस्ट्रो साइगुरु में हार्दिक स्वागत है। आज हम शनि भगवान पर थोड़ी एक चर्चा करेंगे, क्योंकि शनि को शत्रु हमेशा मानते हैं, जबकि ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। शत्रु हमारे सबसे बड़े, शनि भगवान हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। मगर कुछ भ्रांतियाँ हैं और कुछ चलन ऐसे हो गई हैं जिसके कारण जो है एक कभी भी क्या है कि देखिए, कोई भी दिक्कत होती है कहते हैं कि हमारे पे शनि की रहिया चल रही है, हमारे पास शनि की साढ़े साथी हो गई है, हमारे पास शनि ने ये कर दिया, हमारा शनि का ये हो गया। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आकर्षण के नियम के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो भी चीज़ आप भेजते हैं वही आपको वापस आती है। तो आप भय और डर का माहौल क्रिएट करते हैं तो डर और भय वापस आपके पास घूम कर आएगा। शनि भगवान 9 ग्रहों में, भगवान ने उनको एक विस्तृत ड्यूटी दी है जिसका वो जज हैं, और वो आपको अपने कर्मों के अनुसार फल देते हैं। आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि का, हमारा व्यक्तिगत अनुभव रहा है ऐसा कि शनि भगवान से बेहतर रिजल्ट देने वाला कोई भी ग्रह नहीं है। शनि की एक ही खासियत यह है कि हम जो कर्म करते हैं हमें उसको नज़र नहीं आती है, और जब फल मिलते हैं जो कि कभी अप्रिय होते हैं तो हम दोषारोपण शनि पर काम करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, जिसके कारण और शनि की जो है हम पर और कह सकते हैं कि बुरा असर और आता है। तो आज हम चर्चा करेंगे ऐसा क्या करें जिससे कि शनि भगवान हमारे लिए फेवर में हो जाए, शनि के कुप्रभाव कम हो जाए, और क्या ऐसा विधि है या विधान है उस पर हम एक चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें, शनि भगवान जो है ढैया और उनको साढ़े साथी का प्रभाव है। शनि की ढैया अभी 2-3 राशियों पे चल रही है। शनि की ढैया वृश्चिक पर और कर्क पर चल रही है, और अभी मीन राशि पर साढ़े साथी है, और साथ ही कुंभ पे भी है और मकर पे भी है। ये शनि की सिचुएशन है। आज हम शनि के ऊपर चर्चा करेंगे कि शनि के लिए को प्रसन्न करेंगे, अगर हमने आपने ये उपाय कर लिया, एक ही इसको शनिवार के शनिवार उपाय करने हैं, और ये बहुत ही सरल उपाय है। इसको करने के लिए प्रोसीजर बता देता हूँ। इसमें आपको जरूरत जो चीज़ें पड़ेंगी, एक तो है कि आपको थोड़ा सा सरसों का तेल, शुद्ध सरसों के तेल की जरूरत पड़ेगी शनिवार, और ये समय जो रहेगा सुबह का समय रहेगा, 9 से 10:30 बजे के बीच में शनिवार को नहीं करेंगे, स्नान करने के बाद करना होगा। अगर हो सके तो सूर्यास्त से पहले, सूर्य उगने से पहले पहले करें तो बहुत ही शुभ रहेगा। एक आपको एक छोटी सी नई कटोरी या कटोरी चाहिए होगी, उसमें हल्का सा थोड़ा सा आपको सरसों का तेल चाहिए होगा, और उसके साथ आपने क्या करना है, आपने अपनी पांचों उंगलियां, देखिए ये पांचों उंगलियां हैं, ये जो पांचों उंगलियों को क्या करना है, आपने अपने लेफ्ट हैंड में लेना है। लेफ्ट हैंड में आपने जो वो जो कटोरी है वो कटोरी लेंगे, उसमें से हल्का सा जो आपने सरसों का तेल डाला है, और इस पांचों उंगलियों को आप इसको डिप करेंगे ऐसे, जिससे कि ये उंगलियां यहां तक, थोड़ा यहां तक ही आए, ज़्यादा ना आए, वो डिप कर, वो सरसों का तेल उसमें डिप होगा, और आपने यहां पे लगाना है। यहाँ पर लगाने और लगाते वक्त बोल रहे हैं ओम शम शनिश्चराय नमः 5 बार या 8 बार, ओम शम शनिश्चराय नमः, 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 ये आपने करना है 5 बार 8 बार। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो हल्का सा जो तेल जो बच गया होगा, आपने अपने दोनों हाथों में इसको अच्छा स्प्रेड कर लें, और अपने जो नाखून है, नाखून के एजेस में इसको लगा लें, नाखून के एजेस पे लगा लें, ये जितने भी आपके जो 10 जो आपके 10 फिंगर्स के जो नाखून है उसके एजेस में लगा लें, और हाथ में लगा के हल्का सा मुंह पे आप लगा लें शनि का। मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि शनि की आपको अद्भुत जो है कृपा प्राप्त होगी, आपकी जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी, आपकी काम में जो रुकावटें हैं वो दूर हो रही हैं, आपको जो कोई ना कोई कोर्ट का जो लीगल मैटर तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसमें कोई ना कोई राहत मिलेगी। आपको हेल्थ में जो है नया कोई चैलेंज आया है, कोई कष्ट हो रहा है, उसमें हो सकता है कोई नया डॉक्टर मिल जाए, क्या रास्ता मिलेगा ये शनि भगवान ही बता सकते हैं। आपके धन के नए नए स्रोत खुल जाएंगे, और ये जो है ये उपाय ध्यान रखने वाली बात है, कम से कम 7 शनिवार करें। वैसे तो अनुभव 3 और 5 7 3 शनिवार नहा के आपने करना है, और पूरी श्रद्धा से करना है, और इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रहे, ओम शम शनिश्चराय नमः बोलते हुए जो है यहाँ पर आप रखेंगे, पूरा आप फोकस रखें कि भाई आप शनि भगवान से आपको जो भी जो कष्टें हैं वो दूर हो गई हैं, और आप जो है सुखी स्वस्थ हो गए हैं। यह आप करेंगे ना तो आप मेरे फ्रेंड्स बताएंगे आप कि इसका आपको बहुत ही एक लाइटनेस फील होगी, शरीर में जो का हैवीनेस है वो दूर हो जाएगी, और आपके सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। ये करना है उपाय ओनली ऑन शनिवार,
सात शनिवार का उपाय है करें, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्या इसका फल और क्या उसकी इसके गेंस मिले। लाभ 100% मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपनी विस्तृत कुंडली हमारे से चेक कराने के लिए 8010001346 पर संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।